सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान कृष्ण के जो कथा है ना, भागवत जो ग्रंथ है, इसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं है। जितनी कथाएं सुनाए जाएगा भागवत में, जितनी कथा है सब हम सब के हित के लिए है। भागवत ग्रंथ ही व्यक्ति के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए है, इसलिए भागवत में किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं है। निर्मत शराणाम सताम, निर्मत स ग्रंथ है। और उसके बाद में ये भागवत सुनने से क्या मिलता है, शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। देखिए, कथा सुनने से हम सभी का कल्याण हो जाएगा, तीन प्रकार के ताप का भी नाश हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाश करने वाला भागवत जी है, इसलिए भागवत को बारंबार पान करें, बारंबार इसको श्रवण करें। मनुष्य जीवन हम सभी को बार बार नहीं मिलने वाला, भगवत कृपा से, ठाकुर जी की दया से एक बार मानव तन मिला है। लेकिन इस शरीर को पाने के बाद भी हमने व्यर्थ गवा दिया, केवल अन्य कर्मों में ही अपना समय व्यतीत कर दिया, तो हम भजन नहीं करेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए यही जन्म मिला है, मानव तन आप सभी को, हम सभी को प्राप्त हुआ। अभी हमारे पास में टाइम है, इसलिए जितना हो सके मन को हरि चरण में लगाएं। और भागवत सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है, तीन प्रकार के ताप का नाश हो जाता है। ऐसे सुंदर भागवत व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। देखिए, भागवत ये शब्द सुनते ही मन में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। आपने जब अपने क्षेत्र में भागवत हो रही जब सुना होगा, तो उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ गए। भागवत शब्द से ही भगवान हमारे मन में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए परम सत्य कृष्ण कथा है, भगवत चरित्र है।